Department'ta. Hayır. R&B 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 Department'ta. Hayır. ये भी हमने एक्स्ट्रा किया जो मेन रोड हमने ब्लॉक किया है, तो सरपंच साहब को भी हमने मुतला किया है और लोकल जो जितने भी ये वार्ड मेंबर्स हैं उनको भी पता है, लेकिन वो उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं किया अभी तक। पुलिस ने हमें यकीन दिलाया उस टाइम कि हम खुर्शीद साहब को ये बात बताएंगे। आप खुद देख रहे हैं मैं किन मुश्किलों से यहाँ आ रहा था। ये जूता जो मैं पहन रखा हूँ ये दिसंबर जनवरी में पहन रहा था, लेकिन इससे पहले ही मैंने पहन रखा है। तो रोड की हालत बहुत मुश्किल है, बच्चों का आना जाना भी मुश्किल हो रहा है। कल मेरा बच्चा एक जख्मी हुआ है, साइकिल पे था, स्कूल जा रहा था और बहुत बुरी तरह से वो जख्मी हुआ था। तो क्या सर आप देखिए मैं कितनी मुश्किल, आपने मेरा फोटो भी खींचा है। जैसे मैं इस कीचड़ में आ रहा था, बच्चे और बुजुर्ग औरतें ये ऐसा नहीं कर पाते हैं, घरों से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। अगर बीमार होगा तो उसको बड़ी मुश्किल से हम चारपाई में मेन रोड तक ले जाते हैं। हांगर पर शेख माला पर अच्छे प्रॉब्लम गचान स्कूल गुन प्रॉब्लम गो मुश्किल अगर नबर नीरत क्या बच्चा अबर हेकान नीरत नमाज गुन नमाज तेकान गहन अच्छे प्रॉब्लम अच्छे बुजुर्ग जनान गर नबर नो प्रॉब्लम गस्पताल बमार प्रॉब्लम हेकान नबर नीर कहीं बच्चा जन वो दुकान पे गुन हेकान दुकान पे गई डी सी सब अपीलन कि अव सा मुश्किल हल अव सा प्रॉब्लम सालव अच्छे परेशान महलस परेशानी गाँव यह नीत मेन कि यह पूरे महलस परेशानी सूर महल बच्चे हेकान स्कूलिंग हेकान तम कर तम हेकान नबर हेकान नीरत सान मर्दन बनान मस्जिद मज ग टोटली कह बार बुजुर्ग आबर हेकान नीरत सी अपील कि मतलब यह करू मैगडमाइज बस अच्छान डी सी सबस अपील कि सोन मसल करू हल तथा रोड कन अहन बिजली हिंद तथा पावर बुति वन कहीं मगर मेन वे रोड फिलहाल बच्चे बिचर स्कूल कुन जाए गा तम हेकान गहन स्कूलिंग सान बच्चन वनक बंद अम ब्रो तो एहतजाज अत पे नीक ना कह एक्शन अस गई मजबूर आज दमि फिर नियर खुद जून जुलाई में तो लॉन्ग बूट लागू जून जुलाई के लिए हमें एक किलोमीटर का मैग्नमाइज सेंक्शन हुआ था, जो हमने जब काम वहाँ पे शुरू किया तो वहाँ जामिया मस्जिद के साइड में हमने पहले स्टार्ट किया है, तो वो एक किलोमीटर उसी साइड से ख़त्म हुआ। मैं ये नहीं कर सकता हूँ कि कहीं पे अपनी सियासत के अपने वोट बैंक के लिए आधा किलोमीटर एक जगह करूँ फिर दूसरी जगह करूँ। मैंने सोचा चलो आज एक साइड से करेंगे, इसी साइड से एक किलोमीटर ख़त्म हो जाएगा, अगले साल जब आएंगे दोबारा तो इस साइड से हो जाएगा। रोड जब ख़राब होगा तो लोगों ने एहतजाज किया होगा, ये उनका जेन्युइन है, उनका हक बनता है कि वो एहतजाज करें, और हमें भी इसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग एहतजाज कर रहे हैं हमारे खिलाफ, उनका हक बनना क्योंकि उन्होंने चुना हमें डेवलपमेंट के लिए। छुट्टी है, कल मैं एग्जाम साहब से बात करूंगा इंशाल्लाह, कुछ दिनों में उसमें मैग्नमाइज नहीं कर सकते लेकिन चलने के लायक बना सकते। कस्म की वजह से ये है कि उन्होंने एहतजाज के नहीं करना था क्योंकि मैं उनके लिए बना हूँ, मैं मुझे लोगों की जो काम से मुझे खुद देखनी, अब मेरी ही बदकिस्मत ने एहतजाज किया, मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि जो एहतजाज करे वो लेडीज़ वो मेरी बहनें ही, उनको सड़कों पर नहीं आना चाहिए, उनके जो वहाँ पे जिम्मेदार से सरपंच वगैरह उनको मेरे पास आना था कि अगर रोड खराब होना तो क्यों अगर उनको रोड पे लाया। उन्होंने ये सबसे बात करूँगा इंशाल्लाह कुछ दिनों में चलने के लिए रोड बन सकता है।